हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एटीन वाई प्लस ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो इज तो हमें इन दोनों सर्कल्स की जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स है वो है स्टार्ट कर लेते हैं देखो की कॉन्सेप्ट से तो इफ टू सर्किल्स इफ टू सर्किल्स टच ईच अदर टच

ठीक है तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट देखो एक तो ऐसे आ जाएगी टेंजेंट एक कॉमन टेंजेंट ऐसी आ जाएगी और एक बिल्कुल ऐसे आएगी यानी इनका जो मीटिंग पॉइंट है दोनों का जहां पे टच कर रही है ना उससे पास करते हुए कुल मिला के नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स तीन हो जाएगी तो अब देखो हमारे जो सर्किल्स हैं पहले हम सीवन बोल लेते हैं पहले सर्किल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस का सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो तो इसका अगर हम हमेंटर स्मॉल सी वन लिखेंगे वो क्या आएगा माइनस जी को माइनस एफ होता है ना और जी क्या होता है एक्स के कॉफिसेंट का हाफ और एफ होता है वाई के कॉफिसेंट का हाफ तो देखो एक्स का कॉन्फिसेंट माइनस फोर है उसका हाफ कर दिया यानी माइनस टू आएगा तो माइनस ऑफ माइनस टू प्लस का टू हो गया देख इधर देखो y का कॉफिसेंट है माइनस सिक्स उसका हाफ किया तो माइनस थ्री तो माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस का थ्री हो जाएगा अब अगर हमने इसके लिए रेडियस आर वन लिखी तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू का स्क्वायर क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी उसका रूट करना है ठीक है तो अब देखो माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस में माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और माइनस में माइनस ट्वेल्व यानी प्लस का इधर ट्वेल्व हो जाएगा यानी बन गया रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव तो आ जाएगा फाइव यूनिट्स फाइव यूनिट्स बन गया है इसी तरीके से देखो दूसरा सर्किल है इसको सी टू बोल लिया हमने इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में सिक्स एक्स प्लस में एटीन वाई प्लस में ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो इसके लिए जो सेंटर सीट हुआ है वो देखो क्या आएगा माइनस ऑफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स का हाफ यानी थ्री देन माइनस ऑफ इधर कितना हो जाएगा नाइन ये बन गया उसी तरीके से आर टू लिखेंगे इसके लिए तो देखो यहाँ पे थ्री का स्क्वायर यानी नाइन प्लस में नाइन का स्क्वायर यानी एटी वन माइनस में ट्वेंटी सिक्स ये हो जाएगा यानी देखो ये कितना बन गया यहाँ पे 90 में से हमें 26 को सब्टैक्ट करना पड़ेगा ठीक है तो ये 64 आ रहा होगा यानी रूट ऑफ सिक्सटी जिसका वैल्यू एट यूनिट्स हो जाएगा तो अब अगर हम C1 सी टू निकालेंगे ना यानी दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस तो रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यानी टू माइनस में माइनस थ्री तो टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर यानी थ्री माइनस में माइनस नाइन तो थ्री प्लस नाइन इसका होल स्क्वायर ये क्या बन गया स्क्वायर रूट ऑफ का स्क्वायर ट्वेंटी ट्वेल्व का स्क्र वन फोर्टी फोर तो ये हो गया रूट ऑफ वन सिक्सटी नाइन दैट इजीन और आर वन प्लस आर टू निकालेंगे ना तो इसका वैल्यू देखो क्या आएगा आर वन प्लस फाइव प्लस में एट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू थर्टीन इसका मतलब है C1 वन सी का वैल्यू इक्वल आ रहा है R1 वन प्लस आर के अगर हमें ये केस मिल गया इसका मतलब क्या है कि दोनों जो सर्किल्स हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हमने बता दी थी तीन आती है तो ऑप्शन सी जो है थ्री सही हो गया आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक